दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकुंद और हेल्दी निदान में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्दी निदान। यहां पे बातें होती हैं आपके स्वास्थ्य की, आपके बीमार ना होने की और दवाइयों के विषय में जानकारी आपको देने की। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे बीमारी के विषय में बताने जा रहे हैं जो अक्सर आप देखते हैं कि नाखूनों में होता है, हर किसी को कहीं ना कहीं दिखाई पड़ जाता है और कभी न कभी किसी न किसी के परिवार में यह बीमारी हुआ रहता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और दूसरों तक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, वो बीमारी है फंगस से होने वाली, जिसका नाम है ऑन्कोमाइकोसिस, या हिंदी में उसको हम लोग नाखून का एक्जिमा बोलते हैं और नेल एक्जिमा बोलते हैं। ऑन्कोमाइकोसिस उस बीमारी का नाम है जो फंगस के चलते होता है। और फंगस में आपको टीनिया के फंगस के कारण या ईस्ट के कारण होता है। टीनिया में टीनिया एंजियम जो होती है उसके कारण होती है और ईस्ट के कारण होता है। इसमें जो होता है, आपको जो नाखून होता है वो आपको फटने लगता है, सफेद होने लगता है, पीला होने लगता है या कभी कभी पूरी की पूरी नाखून भी निकल जाती है। ये कोई बीमारी छुआछूत की नहीं है, परंतु जब धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो देखने में आपको खराब लगता है। आप फोटो में देख सकते हैं, पिक्चर में देख सकते हैं कि इस नाखून का कलर कैसे हो गया है, और यही ऑन्कोमाइकोसिस है जो फंगस यानी कवक के कारण होता है। और इसका मुख्य जो कारण है वो ईस्ट और टीनिया इन्फेक्शन होता है। कई प्रकार के टीनिया होते हैं और आगे भी आप पिक्चर में देख रहे हैं कि कैसे जो है नेल जो है एकदम जो नाखून एकदम उजला हो गया है, फट गया है, क्रैक हो गया है, और यही ऑन्कोमाइकोसिस है। इसी को हम लोग ऑन्कोमाइकोसिस बोलते हैं। और ना इसमें ना खुजली होता है ना कुछ होता है, बस देखने में ये खराब लगता है। मेरे पास भी पेशेंट आते हैं, मैं उनको दवा दिया हूँ, उससे उनको आराम हुआ है। उसका भी पिक्चर मैं आपको बता रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। अभी बिगनिंग में कल पेशेंट आया जिसका मैंने पिक्स लिया है, फिर 2 महीने बाद उसका रिकवरी होगा, उसका भी मैं पिक्चर डालूंगा। तो दोस्तों, ये ऑन्कोमाइकोसिस फंगस के, अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट पर। तो इसका ट्रीटमेंट जो होता है, इसका ड्रग ऑफ चॉइस जो सबसे ज्यादा फायदा करता है दवाई, वो है टर्बिनाफिन। मेरे पास है टर्बिनाफिन, यानी इसका जो फॉर्मूला है वो टर्बिनाफिन है। और जो ब्रांड नेम आता है मैक्लोइड्स का, आपको टर्बी टोटल के नाम से आता है, मैनकाइंड में आपको लाइफ स्टार डिविजन में आपको टर्बिना फोर्स के नाम से आता है, इंटास का टेबिना नाम से आता है आपको। उसके बाद से देखिए टर्बिना पिन नाम से एक दवा है, आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम कर दीजिए, देख सकते हैं, और ये आपको देख सकते हैं इसको, और ये टर्बिना फोर्स है, टर्बिना फेन 250 मिलीग्राम, ये ही इसका ड्रग ऑफ चॉइस है। अब इसको लेते कैसे हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। इसको हम एक गोली रोज लेना है और कंटिन्यूस आपको 7 सप्ताह तक लेना है, यानी 2 माह से 1 सप्ताह कम, 7 सप्ताह तक इसको 49-50 दिन आपको लेना है। एक गोली रोज आपको पर डे लेना है खाना खाने के बाद। इसके अलावा और कोई भी दवाई नहीं काम करता है बढ़िया से। और सेकेंड लाइन जो ड्रग्स है वो है इट्राकोनाजोल। इसकी एफिकेसी टर्बिनाफिन से कम है, 60% ही काम करता है। तो सबसे बढ़िया रहेगा, सस्ता भी है, और ये गोली रोज आप अगर 7 सप्ताह तक लेते हैं तो ऑन्कोमाइकोसिस से 100% आप रिकवर हो जाएंगे और गारंटी के साथ ये ठीक होता है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, परंतु इसमें बिना रुकावट के आपको 7 सप्ताह इस दवाई को खानी पड़ेगी। और मेरा भी अनुभव है कि ये 7 सप्ताह बाद दवा खाने के 7 सप्ताह बाद ये बीमारी ठीक ही हो जाती है। तो दोस्तों, आज हमने आपको ऑन्कोमाइकोसिस यानी नेल एक्जिमा यानी नाखून के एक्जिमा के विषय में बताया, और इसका ड्रग ऑफ चॉइस जो है टर्बिना फोर्स है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दूसरों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक जरूर करिए, और आगे भी हम इसकी सीरीज चालू की है। आगे फिर हम दूसरी कोई स्किन के विषय में आपको, बीमारियों के विषय में मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।